ठीक है, फिर 414 करते हैं, शेयर करता हूँ। ये है 414। तो अभी इसमें मैंने अपने को पूछा है पीएनएल स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी एंड बेसिक डाइल्यूटेड ईपीएस, सॉरी बेसिक अर्निंग्स पर शेयर ही पूछा है। वो तो ईजी है, हाँ तो फॉर्मेट में पीएनएल। ठीक जरूर जरूर। अभी सुनना, तू ये करना जो पिछले वाला सम किया था अपन ने, उसको पूरा कॉपी कर पेस्ट कर और सिर्फ अमाउंट हटा दे। हाँ उससे वो हट जाए, अगर अगर अमाउंट हटा है ना तो वो भी फॉर्मूला भी हट जाता है। और पिछले वाले सम नहीं में रे, अपन ने नहीं वो किया हटता, था, एफ नहीं हटता, मैंने यूज फाइनेंस किया स्टेटमेंट्स किया था। है। हाँ वो एक अपन ने अदरवाइज तो फाइनेंशियल कॉपी लेके प्रोजेक्शन पेस्ट। किया था। अगर अदरवाइज तू ये करेगा ना, अगर कॉपी पेस्ट करके अमाउंट हटाएगा तो तेरा ये नहीं हटता, फॉर्मूला वो ही रहेगा। अब इसमें तो सिर्फ इसने प्रॉफिट एंड लॉस में एसओ SOFP पी पूछा है, आई बोला, एसओएफपी नहीं पूछा है, स्टेटमेंट ऑफ सॉरी चेंजेस इक्विटी SO SOCI, जो भी स्टेटमेंट ऑफ चेंज एसओसीआई। इन इक्विटी। अपने ऑडिट वाले एग्जाम में भी इसी का थ्योरी बेस्ड आ रहा ना, एसओसीआई का। पता नहीं, ठीक चालू करते हैं। डंजन को एंटर्ड इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विद अ परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन एंड सेटिस्फाइड ओवर द टाइम, द टोटल प्राइस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट वाज 9,000 विद टोटल एक्सपेक्टेड कॉस्ट ऑफ 5 मिलियन, मतलब 5,000। प्रोग्रेस टुवर्ड्स द कंप्लीशन वाज मेजर्ड एट 50% एट 30th of June 2017 एंड 80% ऑन 30th of June 2018। अपन कब के लिए कर रहे हैं बैलेंस शीट? ठीक है, करेक्ट एंट्रीज वेर मेड इन द ईयर एंडेड 30th June 2017 बट नो एंट्रीज हैव बीन मेड फॉर द ईयर एंड 30th June 2000। ओके, टोटल प्राइस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट इज 9 मिलियन प्लस 5 इतना कितना है, फोर्टीन क्या? थाउजेंड वो एक्सपेक्टेड कॉस्ट टू नाइन प्लस शेयर है, फाइव वो एक्सपेक्टेड कॉस्ट है। ठीक हाँ, बट वो तो अपने कॉन्ट्रैक्ट प्राइस में ऐड नहीं करेगा। माइनस करता है, प्रोग्रेस टुवर्ड्स द कंप्लीशन वाज मेजर्ड एट, पहले इतना था। ओके, तो ये था तेरा प्रोग्रेस 50% हुआ था और उधर तेरा 80% हुआ था।
तो तेरा उस साल का एक्सपेक्टेड कॉस्ट सेल, उस साल तूने एक्सपेक्टेड कॉस्ट जो किया रहेगा इनकर वो रहेगा ये है क्या इज इक्वल टू डाला है और इस साल का एक्सपेक्टेड कॉस्ट रहेगा ये, तो अपने को हमेशा दोनों का डिफरेंस लेना रहता है रेवेन्यू में। 1500 इस साल हमने 1500 का एक्सपेंस किया हुआ है, डिडक्ट प्रीवियसली एक्सपेंसर्ड नहीं रे, ये मेरे को लगता है डायरेक्टली 5000 आ जाएगा ऊपर। टोटल प्राइस ऑन द कॉन्ट्रैक्ट इज 5 मिलियन, जो टोटल एक्सपेक्टेड कॉस्ट ऑफ 5 मिलियन, द प्रोग्रेस टूवर्ड्स द कंप्लीशन वाज मेजर्ड एट 50% ऑन ये, देन 80% ऑन पहले तो डिडक्ट करेगा। उसके बाद तो पहले अगर अपन कॉन्ट्रैक्ट प्राइस 9000 में से पहले शायद अपने को डिडक्ट करना है ये वाला अमाउंट, के बाद डिडक्ट करना है ये वाला अमाउंट जो अब अपन ने इस साल इनकर किया था शायद, तो शायद 5000 रेवेन्यू में आएगा, देखते हैं बाद में। तो 43200 प्लस दिस अभी क्या हो रहा है। हाँ नेक्स्ट पे जाऊं, ऑन 1st of January 2018 डंजन वॉज नोटिफाइड दैट एन एक्स एम्प्लॉय हैड स्टार्टेड कोर्ट प्रोसीडिंग्स अगेंस्ट देम फॉर अनफेयर डिसमिसल। लीगल एडवाइज वॉज दैट देर वॉज एन 80% चांस दैट डंजन को वुड लूज द केस एंड वुड नीड टू पे एन एस्टिमेटेड ऑफ 1012 ऑन 1st of January 2019। इतना तेरे को पे करना पड़ता तो ये तो प्रोविजन में बन डालेगा। बेस्ड ऑन दिस एडवाइस डंजन रिक्वायर्ड अ प्रोविजन ऑफ 800K ओके ऑन 1st of January 2018 एंड हैज मेड नो फर्दर एडजस्टमेंट। द प्रोविजन वॉज रिकॉर्डेड इन ऑपरेटिंग एक्सपेंसिस। डंजन को हैज अ कॉस्ट ऑफ कैपिटल ऑफ डॉलर सॉरी ऑफ 10% पर एनम एंड अ डिस्काउंट फैक्टर एट 10% फॉर 1 ईयर 0.9091। बस एक चीज देखनी है कि तेरा एस्टिमेटेड पे कितना बोला उन्होंने, 1012। 1012 हाँ ठीक है बराबर, और ठीक है। देयर प्रोविजन 800 मैं क्या बोल रहा हूँ कि डिस्काउंट फैक्टर से मेरे को एक बार मल्टीप्लाई करके देखना है, और डिस्काउंट फैक्टर से मल्टीप्लाई करके देखना है कि अपने को 0.9091 800 ही आ रहा है क्या, नहीं कुछ और ही आ रहा है, 9.0 आ रहा है। बट तू प्रोविजन को डिस्काउंट फैक्टर भी कर रहा है, जो तो उन्होंने क्यों दिया है वो डिफरेंस डिस्काउंट फैक्टर, तेरे को पे उसको कब करना है, अगले साल पे करना है। या तो अभी के लिए तू अगर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस मतलब तेरा जो प्रोविजन है अगर उसको भी तू चल 800 है ठीक है, तो तू ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में और 800 रिकॉर्ड करेगा तो उसके ऊपर तेरे को डिस्काउंट फैक्टर पहले मारना पड़ेगा। एक मिनट। अपने एस्टिमेटेड जो प्रोविजन करते हो जाता किसमें ऑपरेटिंग एक्सपेंस में उन्होंने वहां पे बोला कि ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में डालना है। नहीं, मतलब किसे ये पूछ रहा हूँ कि सही रिकॉर्ड पे लोग हैं, गलत रिकॉर्ड पे हैं। यार ये पिछले बार एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस में डाल दिया था लोगों ने, वो तो गलत ही था। क्या पता है यार, ये थोड़ा अलग ही है कुछ।
ठीक है ना, देख देखते हैं, चल बाद में देखते हैं, गलत तो गलत मैं क्या। +13,520 ठीक अच्छा द बैलेंस रिलेटिंग टू टैक्स इन द ट्रायल बैलेंस रिलेट्स टू अंडर और ओवर प्रोविजन फ्रॉम द प्रायर पीरियड। द टैक्स एस्टिमेट फॉर द ईयर एंड 30 जून इज 2100, मतलब इस साल का जो प्रोविजन है वो 2100 है। इन एडिशन टू दिस देयर हैज बीन अ डिक्रीज इन द टैक्सेबल टेम्पररी डिफरेंस ऑफ 2 मिलियन इन द ईयर। देयर हैज बीन अ डिक्रीज इन द टैक्सेबल टेम्पररी डिफरेंस इन द ईयर। डंजन पेज टैक्स एट 25%, मूवमेंट इन डेफर्ड टैक्स हैव बीन टेकन द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। यहीं पे कर देता हूँ क्योंकि बाद में ऐसा इसके लिए जगह चाहिए। जाने दें इनकम टैक्स, तो पहले उसका प्रोविजन, देन उसका अंडर या ओवर प्रोविजन पहले वो देख लेते हैं। वो क्रेडिट साइड में आया है, मतलब अंडर ओवर प्रोविजन है, तो ये चीज को तू माइनस करेगा। तेरा इस साल का प्रोविजन 2100 है। इन एडिशन टू दिस देर हैज बीन अ डिक्रीज इन द टैक्सेबल टेम्पररी डिफरेंस। डिक्रीज हुआ है टैक्सेबल टेम्पररी डिफरेंस में। टैक्सेबल टेम्पररी डिफरेंस यानी कि गवर्नमेंट जो हमको बोल रही है उसमें अगर डिक्रीज हो गया है तो अगले साल पे करना पड़ेगा, तो वो तेरी डेफर टैक्स लायबिलिटी बन जाएगी, तो वो इस साल तू ऐड करेगा नहीं। डेफर्ड टैक्स वो टेम्पररी डिफरेंस मल्टीप्लाई बाय द रेट ना, सॉरी ये टैक्स का टेम्पररी डिफरेंस इनटू टैक्स रेट। अभी टेम्पररी डिफरेंस कितना है? 2000 इनटू 2000 25%। इनटू 1.25, ये हो जाएगा 500। तो ये डेफर्ड टैक्स रे ऊपर किधर है क्या, पहले वो देखना पड़ेगा। और ऊपर तो कुछ नहीं है, तो इसका सम ले लेते हैं, इसको कर देते हैं पोस्ट इनकम टैक्स में। मेरे को थोड़ा सही नहीं लग रहा, मुझे लग रहा है ये माइनस ही होगा, बट श्योर नहीं हूं मैं, कौन सा देखते हैं वाला? बाद में। डेफर्ड टैक्स क्योंकि डिक्रीज हुआ है डेफर्ड टैक्स का टेम्पोररी डिफरेंस। तो देखते बाद में तो नहीं, सही लग रहा है मुझे, इसलिए सही ना, मेरे को भी थोड़ा लग रहा है, डिक्रीज है मतलब। देखते हैं बाद में थे। हाँ वही वही वही, क्योंकि डिक्रीज था तो नेक्स्ट टाइम तू पे करेगा। हाँ मतलब तूने बिल ज्यादा देखा है और टैक्स देख बोलता है कि 2000 कम करना, मुझे तो सही लग रहा है, तो देखते आगे। हाँ मतलब डंजन को इश्यूड 5 मिलियन 6% कन्वर्टेबल लोन नोट्स ऑन 1st of July 2017। इंटरेस्ट पेबल इन अरियर्स, मतलब बाद में ही पे करना है, ठीक है। दीज बॉन्ड्स कैन बी कन्वर्टेड इनटू 1 शेयर ऑफ एवरी 2 ऑन 30th June 2019। सिमिलर लोन नोट्स विथ विदाउट कन्वर्जन राइट्स इनकर 8% ऑफ डंजन रिकॉर्ड फुल अमाउंट लाइबिलिटीज, ठीक है। एक मिनट ना, अच्छा डंजन रिकॉर्डेड अ फुल अमाउंट इन लाइबिलिटीज एंड हैज रिकॉर्डेड द एनुअल पेमेंट मेड ऑन 30th जून
हाँ ठीक है, द फाइनेंस कॉस्ट, ओके। हाँ नॉर्मल ही है, जैसे कन्वर्टेबल लोन नोट से अपन कर करते थे पहले। चलो ठीक ये जो इसने 0.3 बोला, मतलब 0.3 मिलियन, ये फाइनेंस कॉस्ट कौन सा वाला, इंटरेस्ट कौन सा वाला, मतलब वो 6%? हाँ 6% के ऊपर। हाँ वो ही ना, मतलब 5 मिलियन पे 6% का। बराबर। हाँ बराबर। वही 857। ठीक है आई थिंक अभी इधर 300 आएगा और नीचे 5300 आएगा, तो ये तो अपना टोटल है। डेट और ये इक्विटी, तो इक्विटी अभी तेरा डेट का सम करेगा तो ये आ जाएगा, तो ये अभी तेरा प्रेजेंट वैल्यू है। इफेक्टिव इंटरेस्ट, हाँ ये तो ठीक है। पेड और ये अमाउंट, तो अभी मेरे पास प्रेजेंट वैल्यू में ये है बराबर है, तो इसका 8%। अभी खाली मेरे को इतना देखना है कि अपन ही इशू के साथ फर्स्ट जुड़ेगा, तो फिर ये 31st ऑफ जून 18 को होगा, क्योंकि ये ईयर एंड पे होता है। अपन भी उसी साल के लिए कर रहे हैं, अपन उसी साल के लिए कर रहे हैं, तो ये तेरा फाइनेंस कॉस्ट में आ जा जाएगा। नहीं, अभी तूने क्या बोला, वो यार का उसको बोल, क्या बोल रहा देख अभी इन्होंने क्या बोला है कि ये लोन नोट्स दिए गए थे 1st ऑफ जुलाई 2017 को, तो इसका ईयर था। एंड क्या होगा 1 साल बाद, तो वो 30th जून 2018 अपन उसी साल के लिए कर रहे हैं। तो मैं बेसिकली देख रहा था कि इसके लिए वो सेकेंड कॉलम भी मतलब बनाने की जरूरत है या नहीं। अच्छा, हाँ, समझ गया। यहाँ पे तो जरूरत नहीं ना, वो तेरा 4,818.9 वो तेरा इस फाइनेंस में जाएगा, और लाइबिलिटी में तेरा वो अमाउंट वाला बोला। नेक्स्ट डंजन को बिगैन द कंस्ट्रक्शन ऑफ एन आइटम ऑन प्रॉपर ऑफ प्रॉपर्टी ऑन 1st जुलाई। एक मिनट, ये मेरे को डेवलपमेंट एंड रिसर्च। अच्छा सुन ना, हाँ अपन वो बॉन्ड्स का कन्वर्जन का कुछ नहीं करना है ना अपन बॉन्ड्स का कन्वर्जन का नहीं ना, वो को। हाँ मतलब अगले वही वाले साल में हो था रहा ना। है, वो अगले साल हो रहा है शायद कन्वर्ट, तो नहीं करना है हाँ जून 19 हो रहा था। ना। अगर वो इसमें आता है ना सम में, मतलब अगर वो फाइनेंशियल पोजीशन आता है ना, तो ये जो इक्विटी तेरे को मिला है ना, ये तो इक्विटी कंपोनेंट्स में डाल देता। हाँ बराबर। नहीं ये मैं समझा, लेकिन अपन अभी सपोज किसी फाइनेंशियल क्वेश्चन बोला होता तो ये जो बॉन्ड कैन बी कन्वर्टेड इनटू वन शेयर पोस्ट, वो क्या करता था? तो तू इक्विटी को मतलब हटा देता, और डेट तो तेरा हम हमेशा की तरह आता ही वहां पे, मतलब तेरा ये जो है ना प्रेजेंट वैल्यू का टेबल, ये तेरा मतलब बढ़ते चले जाता, और एंड में जाके अच्छा वो तेरे को अच्छा पूरा पे ऑफ
करना पड़ता है, तो पूरा पे करता है ना। तो इसकी जगह फिर मेरा नॉन करंट एसेट, नॉन करंट लाइबिलिटी खड़ा हुआ था ना, फिर वो हाँ करंट वाला मॉडिफिकेशन। अभी ये जो अमाउंट है ना, रुक जाए एक मिनट, मैं पहले ये डेट डाल देता हूँ, 37/30, ये जो अमाउंट है ना, फिर ये तेरा पूरा का पूरा 5,000 हो जाता, बराबर है? नहीं, 5,300 हो जाता अगर उन्होंने प्रीमियम पे बोला है तो। ये 5,300 तेरा बराबर। पूरा का पूरा नॉन करंट लायबिलिटी से करंट लायबिलिटी में आ जाता, क्योंकि तू अभी पे हाँ करेगा जाता ना, तो 5,300 तू इस साल पे करेगा, तो वो फाइनेंशियल पोजिशन में वहां पे आएगा। सही बराबर। है। अभी विच वॉज कंप्लीटेड ऑन 31 मार्च, 31 मार्च बोला इन लोगों ने, तो यहाँ पे तेरा कंप्लीट हो गया। नौ मंथ 9 मंथ्स। वो ठीक है। कॉस्ट ऑफ 32,000 वॉज कैपिटलाइज, दिस इंक्लूडेड 256 बीइंग अ फुल 12 months इंटरेस्ट ऑन अ 25.6 million 10% लोन टेकन स्पेसिफिकली फॉर दिस कंस्ट्रक्शन। ऑन कंप्लीशन द प्रॉपर्टी हैज अ यूजफुल लाइफ ऑफ 20 years। ठीक है, तो यहाँ पर प्रॉपर्टी का वैल्यू है, तो अपने को वो ढूंढना पड़ेगा ना, कितना इंटरेस्ट, बोरोइंग कॉस्ट। लोन अपन ने कब लिया था? लेकिन स्पेसिफिक नहीं, वो सब नहीं बोला। ठीक है, तो 2,500 का अपन ने लोन लिया था, उसके ऊपर इंटरेस्ट जो है पूरे साल का वो 10% है इंटरेस्ट फुल ईयर, लेकिन इंटरेस्ट आफ्टर ईयर जो है वो अपने को कैपिटलाइज नहीं करना चाहिए था, आफ्टर आफ्टर कंप्लीशन। तो अप्रैल में जून 3 महीने का अपने को कैपिटलाइज नहीं करना चाहिए था, इनटू 3/12 अपन ने वो भी कैपिटलाइज कर डाला, तो ये अब तेरा फाइनेंस कॉस्ट में आएगा, बोरोइंग बोरोइंग कॉस्ट में इज इक्वल टू। तो हाँ मेरे को 640 का जो तुमने 3 मंथ्स ऑफ किया वो किसी समझा जरा मतलब। अरे देख, उन्होंने क्या बोला है कि इंटरेस्ट जो अपने को कैपिटलाइज नहीं करना चाहिए था, ये वाला इंटरेस्ट, क्योंकि क्योंकि कंप्लीट हो गया ना तेरा प्रोजेक्ट। उन्होंने क्या बोला है कि पूरे साल का उन्होंने इंटरेस्ट कैपिटलाइज किया है। ठीक अच्छा अप्रैल मई जून हो चुका। हाँ समझ गया। जून तक है, का उन लोगों ने इसमें कैपिटलाइज किया था। हाँ, तो वो नहीं करना चाहिए था। तूने जो लोन का अमाउंट है डिवाइड बाय 20 मल्टीप्लाई बाय फिर ये 10% फिर मल्टीप्लाई बाय जो 3/12 क्या ना 640 लोन का का अमाउंट, कैलकुलेशन निकाल दे। नहीं लोन का अमाउंट नहीं 640 का कैलकुलेशन निकाल दे। पूरे साल का इंटरेस्ट तो मिला ना तेरे को, फिर उसके ऊपर खाली अच्छा तीन अच्छा महीने का अच्छा नहीं कैपिटलाइज होगा, तो हाँ कैपिटलाइज में से 32,000 था पहले, तो मुझे लगता है ये माइनस ये होगा, राइट? ऑब्वियसली वही बचता है। तो अभी उन्होंने बोला है एमोर्टाइजेशन भी चार्ज करना है उस चीज के ऊपर, या डेप्रिसिएशन बोल देते हैं, बिल्डिंग ही है। नहीं अमोर्टाइजेशन बोला। नहीं, डेप्रिसिएशन बिल्डिंग है ना, कंस्ट्रक्शन ऑफ अ प्रॉपर्टी है, एमोर्टाइजेशन इंटेंजिबल एसेट्स पे लगता है। इंटेंजिबल डेप्रिसिएशन के एसेट लिए कैपिटलाइज कॉस्ट डिवाइड बाय प्रॉपर्टी एज यूजफुल लाइफ ऑफ 20 इयर्स, लेकिन मैं सिर्फ इस साल के लिए ही चार्ज करूंगा, विच इज 3/12,
डेप्रिसिएशन मेरे को मिलेगा 392 N 392। ये क्या है यार, इंजन को ऑल्सो रिकॉर्डेड 0.04 मिलियन इन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस रिप्रेजेंटिंग डेप्रिसिएशन ऑन द एसेट ऑफ द पीरियड ऑफ 31 मार्च ऑन ये। ओके अपन ने ऑलरेडी ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में दिखा के रखा हुआ है, तो वहां से तो निकालना पड़ेगा ना वहां से निकालना पड़ेगा। देखो। ये बता, जो तूने अभी डेक्लेरेशन लिया तो मतलब अपना वैल्यू आ रहा 31, कितना आ रहा है 31 360 पे डिवाइड बाय 20 ईयर है, तो तूने मल्टीप्लाई क्यों किया, मतलब क्या किया, 3/12 क्यों किया। डेप्रिसिएशन पूरे साल का, मतलब 20 ईयर्स की उसकी लाइफ है, हाँ वो समझ समझ गया, थ्री और अभी बाय थ्री ट्वेल्व बाय ट्वेल्व क्योंकि इस साल के 3 ही महीने बाकी है ना। एमोर्टाइजेशन इज चार्ज ऑन द पीरियड रिमेनिंग, मतलब पीरियड फ्रॉम द कंप्लीशन ऑफ द प्रोजेक्ट, या डेप्रिसिएशन इज चार्ज फ्रॉम कंप्लीट। द कंप्लीशन ऑफ द प्रोजेक्ट। हाँ कंप्लीट मार्च में, और से उसके बाद का जो भी है तो डेकोरेशन में चार्ज करें। बराबर, ठीक ये वाला थोड़ा भारी। ओपनिंग 13 to 50। तूने थर्टीन ऑपरेटिंग थर्टीन एक्सपेंस फिफ्टी लिखा है ना, तो नहीं लिखा। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस लिखा है, लेकिन अभी उन्होंने इतनी सारी उसमें चीजें डाल दी है कि मेरे को अभी अनवाउंड अनवाइंड अब उसको फिर से ये करना पड़ेगा ना यार, डालना पड़ेगा क्या। 8 रुपये खाली, उट 8। उन्होंने 4 ऑलरेडी, उन्होंने क्या बोला है, द इंजन ऑल्सो रिकॉर्डेड 4। अभी उसको उसका अभी अब अपने को माइनस करना पड़ेगा वहां से ऑपरेटिंग नहीं एक्सपेंसेस में। और क्या क्या डाला था, K10, 1 मिनट रुक जा, 1 मिनट रुक जा, K30 डाला था ना मैंने। क्या है वो K30 प्रोविजन? हाँ ठीक है, ठीक हाँ बोल क्या। तूने डेकोरेशन अगर तू देखो 4 करना चाहिए ना, तूने उन्होंने ऑलरेडी 4 रिकॉर्ड किया हुआ है ऐसा वो बोल रहे हैं ना। नहीं, बट अगर तूने 4 रिकॉर्ड है तेरे ऑपरेटिंग में, फिर तूने 4 से किया तो नील हो जाएगा सेट। अभी तू 4 वापस डाला तो वापस से आ जाएगा ना, तो वो बोल रहा हूँ मैं। मैंने खाली 8 डाला है, मेरे को 392 आया है डेप, उन्होंने वहां पे 4 किया है रिकॉर्ड, बराबर है। तो फिर तो अपने को -8 करना पड़ेगा। समझा, देख देख देख, अपने को 392 आया है, अपने उन्होंने वहां पे ऑलरेडी 400 रिकॉर्ड करके बैठे हुए हैं वो लोग, बराबर है। तो अभी अपने को 8 माइनस करना पड़ेगा ना। ये समझा ना, बट एक जो डाउट है, अपन डेप्रिसिएशन तो COGS में ऐड करते हैं ना, मतलब कॉस्ट ऑफ सेल में, लेकिन अभी इसमें इन्होंने ऑपरेटिंग। इसमें ऐड किया हुआ है, हाँ लेकिन अभी इन्होंने इसमें ऐड किया हुआ है, वो लोग देते हैं कि डेप्रिसिएशन इज बिन एडेड हियर हियर हियर, ऐसा जरूरी नहीं है कि वो सीओजीएस की अच्छा नीचे मतलब में ही जाता है। ओके 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 ओके, मैं 400 में से बराबर इट हैज बीन डिस्क्लोज्ड दैट द प्रीवियस फाइनेंशियल फाइनेंस फाइनेंशियल कंट्रोलर ऑफ डंजन एंड को एंगेज इन फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग करंटली 25 ठीक मतलब 2,500 ऑफ ट्रेड रिसीवेबल्स हैड बीन डीम्ड टू नॉट एग्जिस्ट एंड रिक्वायर्स टू बी रिटन ऑफ। Of this, 0.9 relates to the year end of 30th June 2018 and 1.6 to the earlier periods. तो तू सिर्फ इसी साल का रिकॉर्ड करेगा। करेगा। जब तू कहाँ करेगा, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस या फाइनेंस कॉस्ट? मैं फाइनेंस कॉस्ट में ही कर रहा हूँ। अच्छा मतलब जो भी फ्रॉड वाला है, तो सीएल तो फ्रॉड
अपन फाइनेंस में रिकॉर्ड करते क्या? देखते हैं ना, अभी मुझे भी नहीं पता। ऑन 1st of November डंजन इशूड 1,500 मिलियन, मतलब हाँ 1,500 शेयर्स एट फुल मार्केट प्राइस ऑफ 2.2। तो उसी जगह कैट टू सस्पेंस अकाउंट। हाँ ठीक है, ये तेरा बेसिक अर्निंग्स पर शेयर का है, ये अपन बाद में करते हैं, पहले अभी ये देख लेते हैं। ठीक क्या COGS में कुछ भी नहीं आया पता है? मैंने मस्त एकदम, बोल मैंने इतना मस्त एकदम बना के रखा था। कोई नहीं, इसमें उसको डिलीट कर दिया। फिर अभी थोड़ा प्रेजेंटेशन भी अच्छा दिखे ना। तो अभी नंबरिंग जो किया तो वापस आता है। हाँ ठीक है ना, क्या ही हो जाएगा। ओ चेरो चेरो रुक जा, ये अपने को करना ही पड़ता है क्योंकि अभी अपने को SOFP भी मतलब वो बनाना है ना। चलो PNL पहले कर देते हैं। PNL का ये तो हो गया ना, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में उसका नेट फिगर, अभी इसका तो बनाया हुआ था ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। फाइनेंस को रिटेन्ड अर्निंग्स, रेवेन्यू, टोटल इक्विटी शेयर, टैक्स, इन्वेस्टमेंट इनकम। इन्वेस्टमेंट इनकम एक सौ इन्वेस्टमेंट बीस है। फाइनेंस कॉस्ट में इसका लिंक डाल देता हूँ पहले तो। फाइनेंस तूने फाइनेंस कॉस्ट में कितने लिंक दिए? नेट फिगर से ही तीन लिंक दिए। दे दिया मैंने। अच्छा ये वाला ओके। अच्छा ओके SOCI, उसमें स्टेटमेंट चेंजेस इन इक्विटी, एज ऑन वगैरह ठीक है ना, वो अभी बाद में डालते हैं। कॉपी कर लेना पर्टिकुलरली। शेयर कैपिटल नेक्स्ट टाइम करता हूँ। शेयर प्रीमियम रिटेन्ड अर्निंग्स, अपना और कुछ है क्या उसमें? टोटल इक्विटी रिवैल्यूएशन तो नहीं कर सकते ना? नहीं ना, वही नहीं था, नहीं था। ओपनिंग पहले तो, अभी ओपनिंग कितना है? ट्वेल्व थाउजेंड टू यस, रिटेन्ड अर्निंग्स है 35,400, हंड्रेड थर्टी फाइव और कुछ है फोर क्या? आई डोंट थिंक सो। शेयर जीरो है। क्या क्या
शेयर प्रीमियम भी जीरो है ना, कुछ है नहीं उधर आएगा पर्पस। ना, क्योंकि ये देख अभी नीचे देख ना, ये दिया है ना मार्केट वैल्यू 2.2, अच्छा वो करना पड़ेगा 9th। अब क्या वर्किंग नोट लग रहे हैं, तूने कितने शेयर्स दिए? 1500। अभी उसके शेयर्स का बेस प्राइस कितना था? एक एक रुपया था, तो उसको उसने 2.2 पे दिया, तो उसको 1.2 का प्रीमियम है। 500 जी, मैं इधर तो ऐसे ही डाल रहा हूँ, शेयर कैपिटल शेयर प्रीमियम। अरे क्या लिंक, शेयर कैपिटल फिर वैल्यू दिस इनटू दिस दिस इनटू दिस। अभी ठीक है ना, क्या फिर हो गया।